आज इस वीडियो में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हालांकि इस टॉपिक के क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं 43, बोलता है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹2 लाख, टोटल एसेट ऑफ द फर्म आर 15 लाख, वेयर एज पार्टनर्स कैपिटल इज 12 लाख। If normal rate of return in a similar business is 10% of the capital employed, what is the value of goodwill by capitalization of super profit? बोलता है इस फर्म ने पिछले कुछ सालों में एवरेज में 2 लाख रुपए अर्न किया है। आगे बोलता है कि टोटल एसेट इस फर्म की 15 लाख रुपए है। आगे इसने इंफॉर्मेशन हमको दी है, कैपिटल जो है ना वो 12 लाख रुपए है। इसका मतलब ये अपने आप में कैपिटल एम्प्लॉयड है, जब उसने कैपिटल हमको दे दिए एक तरह से। आगे चलते हैं, फिर बोलता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस बिजनेस में 10% है। अब आप गुडविल की वैल्यूएशन करो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट, क्योंकि उसी को तो कैपिटलाइज करेंगे हम। तो उसके लिए हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमको मालूम है 12 लाख। ठीक है, अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमारा सुपर प्रॉफिट होता है, उसी को कैपिटलाइज करना है हमको। ठीक है जी, तो हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है यहाँ 12 लाख रुपए है, 10% उसका इजीली आप अर्न कर सकते हो इस नेचर के बिजनेस में। इसका मतलब ये फर्म भी 1,20,000 तो अर्न कर सकती थी नॉर्मली, लेकिन इसने तो भाई 2 लाख रुपए अर्न किया एवरेज में। इसका मतलब इसने 80,000 रुपए ज्यादा कमाई सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। तो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए क्या करना है, सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो यहां पर हमारी आ गई 8 लाख रुपए की गुडविल। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, बोलता है रंजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, द कैपिटल्स वर रंजन ₹3 लाख, रजनी ₹2 लाख, ड्यूरिंग द ईयर 18-19 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। क्वेश्चन में कहता है कि नॉर्मली ये फर्म 20% अर्न कर सकती है अपनी इन्वेस्टमेंट में, लेकिन इस फर्म ने जो अर्न किया है वो 1,50,000 अर्न किया है। ठीक है, इसके बाद बोलता है कि दोनों ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है वो 5 लाख की है, 3 लाख और 2 लाख। ओके, तो यहां पर देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए दोनों पार्टनर की कैपिटल जोड़ देते हैं, रंजन एंड रजनी, कितनी भाई 3 लाख और 2 लाख। इसका मतलब 5 लाख रुपए की टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इस फर्म की है। अब हमको ये देखना है कि भाई नॉर्मली ये कितना अर्न कर सकते थे इस 5 लाख रुपए में। तो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ इसका 20% के रेट से 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए ये अर्न कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कितना अर्न किया है भाई, 1,50,000, 1.5 लाख रुपए। तो कर सकते थे सिर्फ 1 लाख, कर लिया 1,50,000। तो 50,000 जो है इनका है सुपर प्रॉफिट। अब इसका ही हम कैपिटलाइजेशन कर देते हैं, क्या करते हैं सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट। तो सुपर प्रॉफिट क्या है हमारा 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है 20%। तो इस तरह से 2,50,000 आ गई इस फर्म की गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, बोलता है एवरेज प्रॉफिट ऑफ जीएस एंड कंपनी इज 50,000 पर ईयर, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज ₹3 लाख, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाई सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 ईयर्स परचेज और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। चलो जी, बोलता है कि एवरेज प्रॉफिट जो इस फर्म ने अर्न किया है, जी एस एंड कंपनी ने, वो किया है 50,000 रुपए। इसके बाद बोलता है कि इस फर्म में ना 3 लाख रुपए लगे हुए कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है,
ये जो फर्म है ये 10% अर्न कर सकती है, जितना भी इन्वेस्ट इसमें करेंगे उसका 10% नॉर्मली अर्न कर सकती है। अब आगे बोलता है कि आप गुडविल की वैल्यूएशन करो। चलो जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं आपका सुपर प्रॉफिट, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। 3 लाख रुपए इस फर्म में इन्वेस्टेड है, उसका 10% ये फर्म अर्न कर सकती है, इसका मतलब 30,000 रुपए ये इजीली अर्न कर सकती है फर्म। लेकिन इस फर्म ने अर्न कितने किए हैं एवरेज में, 50,000। इसका मतलब सुपर प्रॉफिट इसने औरों से ज्यादा, जो इस बिजनेस में और लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा होगा, 20,000 रुपए ज्यादा उनसे अर्न किया है एवरेज में। ओके, तो ये हो गया भाई आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। अब बोलता है कि इसका पहला आप कैलकुलेट करो गुडविल, अगर 3 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट का गुडविल की वैल्यूएशन की जाए, ठीक है, तो 20,000 × 3 तो 60,000 गुडविल आ गई इस तरह से। दूसरा बोलता है, तो पहला तो केस ये हो गया जी आपका, और दूसरे केस में बोलता है कि अगर आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो तो गुडविल क्या होगी, ठीक है जी। उस केस में देखते हैं सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा, 20,000 रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। इसका मतलब अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे तो इस फर्म की गुडविल 2 लाख रुपए होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। बोलता है अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। असेट ऑफ द बिजनेस वर ₹40 लाख एंड इट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटी ₹7,20,000। क्वेश्चन में बोलता है ये देखो भाई, 40 लाख रुपए इस फर्म की है एसेट, ठीक है, और 7,20,000 है लायबिलिटी। आगे बोलता है कि ये जो फर्म है नॉर्मली 10% बड़े आराम से अपनी इन्वेस्टमेंट में अर्न कर सकती है, लेकिन इस फर्म ने तो 4 लाख रुपए एवरेज में कुछ सालों में अर्न किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, फिर बोलता है कि आप गुडविल की वैल्यूएशन करो बाई सुपर प्रॉफिट मेथड, अगर 3 ईयर परचेज ये फर्म अपना सुपर प्रॉफिट का गुडविल वैल्यू करे या कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है जी। सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम क्या करते हैं, असेट माइनस लायबिलिटी, तो 38 लाख आपका नहीं 32,80,000 हमारी आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसका 10% नॉर्मल प्रॉफिट, 32,80,000 का 10% मतलब कि 3,28,000 तो नॉर्मली ये फर्म अर्न कर सकती थी अपनी इस इन्वेस्टमेंट में, लेकिन उसने अर्न कितना किया भाई, 4 लाख। इसका मतलब 72,000 उसने सुपर प्रॉफिट अर्न किया है और उसे ज्यादा। अगर गुडविल वैल्यू की जाती है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट तो फर्म की गुडविल होगी 2,16,000, लेकिन अगर इसी सुपर प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज कर दें तो हमारी गुडविल क्या होगी, तो हम लिखेंगे जी सुपर प्रॉफिट 72,000 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, तो 7,20,000 हमारी गुडविल आएगी दूसरे मेथड से जो इसमें इसने बोला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। बोलता है अजीत एंड बलजीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स आर 9 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 4,50,000। Assuming that normal rate of return is 20%, calculate value of goodwill of the firm by capitalization method. अब क्योंकि हम super profit method वाले question कर रहे हैं, तो ये capitalization of super profit ही है, ठीक है? आगे चलते हैं। Second, by super profit method, if the goodwill is valued at
2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलो जी, क्वेश्चन में कहता है कि अजीत और बलजीत की 9 लाख और 6 लाख रुपए की कैपिटल थी। ठीक है, अजीत और बलजीत 9 लाख और 6 लाख किनकी कैपिटल थी? तो दोनों की कैपिटल मिलाकर के फर्म में कितनी हो गई? आपकी 15 लाख रुपए। यही हमारी क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी। आगे बोलता है कि एवरेज में ये फर्म 4,50,000 रुपए अर्न कर रही है और 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इस बिजनेस में। ठीक है, 4,50,000 रुपए इसने इस साल अर्न किया है, तो एक्चुअल प्रॉफिट बोलो या आप एवरेज प्रॉफिट बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो असल में उसने इस साल अर्न किया है 4,50,000 रुपए। अब हम ये देखते हैं कि भाई 15 लाख रुपए इस फर्म में इन्वेस्टेड हैं इन दोनों पार्टनर ने किए हैं, और 20% के रेट से ये फर्म कितना अर्न कर सकती थी? 3 लाख। तो 3 लाख तो हो गया इसका नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन इस फर्म ने अर्न कितना किया है भाई इस साल? 4,50,000। इसका मतलब 1,50,000 इसने और उससे ज्यादा अर्न कर लिया सुपर प्रॉफिट। ठीक है जी, अब सुपर प्रॉफिट निकल गया हमारा। बोलता है पहले केस में कि इसको कैपिटलाइजेशन मेथड से आप गुडविल वैल्यू करो। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ कितना है? 20%। ठीक है, 7,50,000 रुपए। तो 7,50,000 रुपए इस फर्म की हो गई गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब बोलता है कि अगर आप ये गुडविल वैल्यू करो 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट तो क्या होगी? तो पहला केस तो ये हो गया हमारा। दूसरा केस है 2 ईयर परचेज, तो हमारी जो सुपर प्रॉफिट है हमारा वो है 1,50,000, उसका 2 गुना। ठीक है, 3 लाख रुपए हमारी गुडविल आ जाती है अगर सुपर प्रॉफिट का 2 ईयर परचेज ये फर्म गुडविल वैल्यू करे। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। फर्स्ट एट 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सेकंड एट 3 इयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कुछ इन्फॉर्मेशन दिए उसने नीचे। बोलता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख, प्रॉफिट दिए हैं उसने आपको 3 साल के 2 लाख, 1,80,000, 1,60,000। आगे बोलता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%, रेम्युनरेशन ऑफ ₹1 लाख टू पार्टनर्स इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आगे बोलता है असेट्स ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिटियस असेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज ₹7 लाख, वेयर एज पार्टनर्स कैपिटल इज ₹6 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी ₹1 लाख। देखो, जब इसने हमको कैपिटल एम्प्लॉयड दे ही दिया है तो अब हमें असेट लायबिलिटी से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि उससे भी तो हम निकालते क्या कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो हमको कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर मिल गया है। क्वेश्चन में फिर आगे बोलता है कि एवरेज इसने आपको प्रॉफिट निकालो, इस बार इसने एवरेज प्रॉफिट हमको दिया नहीं है, बोलता है निकालो। अगर 2016, 2017, 2018 का इसने हमें दिया है प्रॉफिट, क्या है? 1,60,000, 1,80,000 और 2 लाख, ये 3 साल के प्रॉफिट हो गए। इनको जोड़ देते हैं 5,40,000 डिवाइड बाई 3, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया भाई? 1,80,000। चलो जी, आगे बोलता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस टाइप के बिजनेस में 10% होता है। ठीक है, अब हमसे बोलता है कि आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करो। चलो जी, अब देखो एवरेज प्रॉफिट में एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रॉफिट इनका आया है ना 1,80,000, इसमें से इन्होंने अपना कभी भी रेम्युनरेशन लेस नहीं किया, जबकि बोलते हैं कि ये रेम्युनरेशन तो हमको चार्ज मानना चाहिए था जो माना ही नहीं है। चार्ज का मतलब क्या होता है? जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम सारे एक्सपेंस दिखाते हैं ना, आपका डेप्रिसिएशन, बैड डेट, सैलरी टू स्टाफ, रेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे के सारे क्या होते हैं? चार्ज होते हैं ऑन प्रॉफिट। जब तक आप इनको लेस नहीं करोगे प्रॉफिट में से, तब तक आपका प्रॉफिट नहीं आएगा। तो बोलता है जो हम पार्टनर आपस में रेम्युनरेशन लेते हैं उसको भी चार्ज ही मानो, मतलब कि प्रॉफिट लॉस में ही दिखाओ एक तरह से।
ठीक है, तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है इसमें से हमको चार्ज लेस करना है अभी, ठीक है। तो अगर हम इसमें से रेम्यूनरेशन लेस कर देंगे 1 लाख, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया भाई, 80,000 रुपए, ठीक है। तो बोलता है कि अगर आप गुडविल कैलकुलेट करो, कितना, 3 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो देखो 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा, 80,000, तो 2,40,000 इस फर्म की गुडविल होगी। अगर ये फर्म अपने एवरेज प्रॉफिट का 3 ईयर परचेज गुडविल कैलकुलेट करे तो 2,40,000 होगी। आगे बोलता है कि अगर ये फर्म क्या करे, अपने सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेट करती है 3 ईयर परचेज गुडविल, तो क्या होगी, ठीक है, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब पहले जरा सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट के लिए हमको जरूरत होती है भाई नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट कितना, जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है इस फर्म का उसका 10% ये बड़े आराम से अर्न कर सकती है, तो 60,000 ये अर्न कर सकती थी, लेकिन इसने जो देखा जाए तो अर्न किया था 1,80,000 एवरेज में, जिसमें से पार्टनर का रेमुनरेशन लेस नहीं किया था, 1 लाख करना चाहिए था, ठीक है, वो भी एडजस्ट कर देते हैं, और ये कर सकती थी 60,000 नॉर्मली, तो ठीक है। तो 1,80,000 में से 1,60,000 हम लेस कर देते हैं, तो 20,000 रुपए हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाता है। मतलब कि 1,80,000 में से पहले हम 1 लाख लेस करेंगे, जिससे कि हमारा नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आ जाए, ठीक है। तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 80, उसमें 60 लेस कर दिया जो हम कमा सकते थे, तो इसका मतलब हमने 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाया है, ठीक है। चलो जी, ये तो होगा सुपर प्रॉफिट। अब बोलता है इसका कितना गुना, 3 गुना, ठीक है। तो आपका यहां पर जो गुडविल आ जाती है वो आती है 60,000 रुपए। तो अगर हम सुपर प्रॉफिट का 3 गुना गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो 60,000 इस फर्म गुडविल होगी, और अगर एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना करते हैं तो 2,40,000 होगी। आगे बोलता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर आप गुडविल वैल्यू करो तो कितनी होगी, ठीक है जी। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या करते हैं हम, जितना हमारा सुपर प्रॉफिट होता है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि क्वेश्चन में है 10% से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 लाख रुपए हमारी आ जाएगी गुडविल, अगर ये फर्म कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से अपनी गुडविल की वैल्यूएशन करे। चलो जी, बाकी बोलता है ये बताओ कि अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से ये फर्म गुडविल अपनी कैलकुलेट करे तो क्या होगा, ठीक है जी। हमारे हिसाब से हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है नॉर्मल आफ्टर एडजस्टिंग रेमुनरेशन वो कितना है, 80,000। तो 80,000 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसका मतलब इस फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू कितना है, 8 लाख। मतलब जितना प्रॉफिट इसने अर्न किया है ये एवरेज में, उसको 10% के रेट से अर्न करने के लिए 8 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन इस फर्म के तो कितने लगे हुए हैं, 6 लाख रुपए बस इस फर्म में, ठीक है। जबकि इतने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितने अमाउंट की जरूरत थी, 8 लाख। इसका मतलब 2 लाख रुपए जो है आपकी यहां पर आ गई गुडविल, जो डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो है आज टॉपिक यहां पर खत्म होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। अब अगली वीडियोस में हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के टॉपिक को शुरू करेंगे। थैंक यू।